पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, देखो जब आपका एक मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, एक्चुअल में ऐसे रहना पसंद करता है, पर अगर आप इसे घुमाएंगे तो टॉर्क जनरेट करके वापस आ जाएगा। तो आप जबरदस्ती जब घुमाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो वो जो वर्क डन होगा आप छोड़ेंगे वो स्टोर हो जाएगा इस इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और ये वापस आ जाएगा। तो अगर मैं आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन बता दूं थीटा वन से थीटा टू इस मैग्नेट को घुमाने का, वही इसमें एनर्जी स्टोर की वैल्यू देगा। तो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी में, मान लो आपने इसको डी थीटा घुमा दिया मैग्नेट को और आपने क्या अप्लाई किया इसके ऊपर, टॉर्क टाउ, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, टाउ इंटू डी थीटा। टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या, एम बी साइन थीटा। आपने कैसे घुमाया, थीटा वन से थीटा टू, थीटा टू है ये, तो एम बी बाहर आ गया, साइन की डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस, माइनस बाहर आ गया, थीटा की जगह एक थीटा टू, एक बार थीटा वन माइनस किया, माइनस अंदर चला गया, थीटा वन वाली टर्म आगे आ गई, थीटा टू वाली पीछे चली गई, ये फॉर्मूला आ गया। तो लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, फॉर्मूला बुकलेट में ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह ही है, पी की जगह एम है, ई की जगह बी है। और एक स्पेशल केस भी किया था हमने कि अगर मान लो इनिशियल एंगल मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 है और आप उसे थीटा रोटेट कर दें, तो आप इस एक्सप्रेशन में थीटा वन को पुट कर लें 90 और थीटा टू को क्या पुट कर लें, थीटा। तो जब आप ये पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, दैट इज माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये भी नोट कर लें, माइनस एम बी कॉस थीटा।